यहाँ पर दरभंगा के डीएमसीएच में जीबीआर झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद थोड़ी देर बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पहुंचे। पंपिंग सेट को ट्रैक्टर के माध्यम से आईसीयू वार्ड के बाहर पहुंचाया गया, जहां पानी निकाला गया। वहीं आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई वार्ड से यहां सांप भी निकल रहे हैं, जिससे मरीजों और उसके परिजन डर के साए में हैं। हालात बद से बदतर हैं, लेकिन अधिकारी दिन भर चैन की नींद सोए और जब रात 8 बजे नींद खुली तो फूल मालाओं से सजी गाड़ी से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। जी मीडिया के कैमरे को देखते ही फूलमालाओं को हटाने लगे। आपको यह भी बता दें कि कल हुई बारिश से दरभंगा में यह हाल है। सोचिए यहां के ड्रेनेज सिस्टम की क्या व्यवस्था है, जिससे पूरा शहर एक दिन की बारिश में पानी पानी हो जाता है। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम लगातार रिपोर्ट दे रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने स्थिति दरभंगा में जलजला कहा जा सकता है। डीएमसीएच पानी पानी हो गया है, वार्ड से निकल रहे हैं सांप और कुंभकर्णी नींद में अधिकारी सोए हुए हैं। और यही वजह है कि जब जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो से खबर को दिखाया, जमीनी हकीकत बताई, तो उस पूरी खबर पर असर देखने को मिला है। फिलहाल वहां पर पंपिंग सेट लगाया गया है, पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन जो जलजला आप देख पा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी खड़ा हो रहा है। ये तस्वीरें बता रही है अपने आप में कि तमाम जो दावे वादे किए गए थे वो इस पानी में महज बह गए हैं, या फिर ये कहे कि कहीं ना कहीं प्रशासन नींद में सोया हुआ है, उसे जगाने की जरूरत थी और प्रशासन को गहरी नींद से जी मीडिया ने जगाया है। इस खबर का असर हुआ है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। स्वप्निल, फिलहाल अब स्थिति आप बताइए, चूंकि वहां पर एक ही पंपिंग सेट लगाया गया था। इससे पहले आपने जिक्र किया कि हैरान करने वाली जो बाइट थी आपके पास सामने आई, जिसमें कहा जा रहा था कि वार्ड के अंदर सांप मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, हालांकि मीडिया को सीधे तौर पर वार्ड के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जो तमाम स्थिति है उसको जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे थे कि वार्ड के अंदर सांप लीचेस थे, उन्होंने देखा बकायदा। अभी हम लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है कि किस तरह से दो सांप में लिखते हो कि ग्राउंड जीरो पर हम घूम रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम पहुंचाएंगे। प्रीति, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रीति, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, अपनी बात रखिए। जी स्वप्निल, अपनी बात रखिए। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे थे कि जी जी प्रीति, प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे थे कि जो अंदर कैंपस है, जो वार्ड है, उसके अंदर लीचेज और सांप भी देखने को मिला, ये वो लोग बता रहे थे। हम तब तक बताई बातों को सुन रहे थे, लेकिन अब हमारे कैमरे ने भी रिकॉर्ड कर लिया कि किस तरह से सांप बिल्कुल मूवमेंट कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम कुछ देर के अंदर अपने दर्शकों को शेयर करेंगे कि पानी के अंदर सांप लीचेज किस तरह से घूम रहे हैं। देखिए, दोबारा जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। पहली बार हमने ये दिखाया था कि रात 10 बजे जब हमारी टीम पहुंचती है उस जगह जहां पानी घुटने तक लगा है, वहां पर जो पंपिंग सेट रखा था वो ऑर्नामेंटल तौर पर खड़ा किया हुआ था। रात 10 बजे भी उस पंपिंग सेट को चलना चाहिए था, अगर वाकई आपकी इच्छा शक्ति है पानी को निकालना है, पानी को हटाना है, तो वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस से। 10 बजे पंपिंग सेट बंद था और सुबह 7 बजे जब दोबारा मैं वहां पहुंचा हूं, वहां पंपिंग सेट तब भी बंद था। और हम लोगों ने इस खबर को जब प्रमुखता से दिखाया है तो नगर प्रशासन जगा है, उसकी तंद्रा टूटी है, नींद टूटी है और पंपिंग सेट को आनन फानन में टो करके पानी निकालने का काम शुरू किया गया है। उसके बाद हमने ये दिखाया, ये जानने की कोशिश की प्रीति, कि आखिर दरभंगा हर बार 2-3 घंटे के बारिश के बाद जलमग्न क्यों हो जाता है। हमने दिखाया कि किस तरह से जो नाले हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, वो पूरी तरह से जाम हो रखे हैं, पानी और नालों का जो एक तरह से कहें समानांतर हो जाते हैं, छोटे वाहन तो नालों में गिर भी पड़ते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है, नाले गाद से भरे पड़े होते हैं। उसके बाद खबर पर तुरंत एक्शन हुआ, जी मीडिया की खबर पर दोबारा कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई और देखिए ये सम्प मशीन मंगाया गया, ये बड़ा सम्प सेट मंगाया गया है। ये सम्प सेट को यहाँ पर नालों के एंट्री पॉइंट पर लगाया गया है, जो एंट्री पॉइंट है नाले का वहाँ पे लगाया गया है और इससे नालों की गाद को निकालने का काम किया जा रहा है। मैं सुबह से कह रहा था
कि पानी तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक आपके पास केवल एक बड़ा नाला है, और उस नाले को अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो नालों से पानी बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप पंपिंग सेट कितने भी पावर का पंपिंग सेट लगा के पानी को बाहर निकाल दे, पानी आखिर जाएगा कहाँ? तो अभी स्थिति यह है कि जैसे ही हमने इस सवाल को उठाया प्रीति, उसके बाद नगर निगम की नींद टूटी और अभी जो है ये सम्प मशीन के माध्यम से नालों की गाद को निकाला जा रहा है। ये गाद निकालने के भी काम आता है और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको खोलने का भी काम करता है। तो यहीं से ये चैनल जो नाला का है वो शुरू होता है और कोशिश ये किया जा रहा है कि नालों की गाद को क्लियर किया जाए ताकि आगे से जो पानी का फ्लो आ रहा है उस पानी के फ्लो को ये बड़े बड़े नाले झेल पाएँ। प्रीति, दूसरी बात इसमें ये है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, कहीं ना कहीं संबंधित विभाग को ये देखना पड़ेगा कि दरभंगा जैसे महत्वपूर्ण जिले के अंदर भू माफिया इस तरह से सक्रिय है कि जो भी छोटे बड़े नाले अलग अलग इलाकों में पूरे दरभंगा शहर में है, कहीं ना कहीं उसको अनाधिकृत तौर पर कब्जा में ले लिया गया है, उस पर बिल्डिंग्स बना दी गई है, उसको अपने प्रेमिसेस के अंदर जोड़ लिया गया है जिससे नाले बंद हो गए हैं। तो भू माफियाओं पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, दो घंटे की बारिश से दरभंगा जलमग्न हो जाता है। मैं सुबह से कह रहा हूँ कि लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वहां जाकर के आनंद लेते हैं। और शायद ये देश का पहला हॉस्पिटल दरभंगा के अंदर होगा जो फ्लोटिंग हॉस्पिटल बन जाता है। घुटने भर पानी भर जाता है, वार्ड्स के अंदर सांप तक पहुंच जाता है, लोग वार्ड्स में अफरा तफरी के माहौल में आ जाते हैं। हर्ट वार्ड की स्थिति प्रीति ये रही कि वहां पर 33% थे। जब पानी अंदर सुबह 6 बजे दो दिन पहले आता है, एक दिन पहले आता है, तो वहां केवल 4% बचे हैं। आनंद फानंद में लोग अपने हर्ट के इलाज वाले पेशेंट को लेकर निकल गए। सुबह 7 बजे मैंने कोशिश की कि अंदर जाके नीकू को दिखाऊं, लेकिन चूंकि मीडिया को अंदर इजाजत नहीं थी तो बाहर जो मैंने बात करी नीकू वार्ड में जो नवजात शिशु होता है, न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, कुछ घंटों की जो के बाद जो जन्म लिए बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है, वहाँ की स्थिति कमोबेश यही है। डेंगू वार्ड मच्छर काटने से डेंगू होता है और चारों तरफ पानी है, पानी से ही मच्छर का एक तरह से जन्म माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार को कागजी कार्रवाई से बाहर निकलना पड़ेगा। दरभंगा बेहद महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण, अन्य दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण जिला है, इसका इग्नोरेंस नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ नगर निगम को भी कहीं ना कहीं जग करके काम करना होगा और भू माफियाओं को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक ड्राइव चलाना पड़ेगा ताकि इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर एक्ट में लाया जाए और शहर कुछ घंटों के पानी के बाद ये फ्लोटिंग हॉस्पिटल, फ्लोटिंग शहर की स्थिति न बन जाए। बेहद चिंताजनक स्थिति बन गई थी। हालांकि जी मीडिया ने जब से ये खबर को उठाया है तब से सनसेट मंगाया गया है। देखिए, सनसेट पहले यहाँ नहीं था, दो दिन से नाले में जो पानी प्रीति जा रहा था वो पानी सड़कों पे लबालब मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने नालों के सब्जेक्ट उठाया है, सनसेट से लगातार कोशिश की जा रही है कि नाले के गाद को हटाया जाए और गाद को हटा के नाले के प्रवाह को ऑन किया जाए, क्योंकि जो पानी आगे से आ रहा है, आगे के इलाकों से आ रहा है, वो पानी यहाँ लबालब भर जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन प्रयास तब होने से क्या फायदा जब स्थितियाँ पैनिक में बन जाए, स्थितियों से लोग परेशान होने लगे, स्थिति लोगों के लिए चिंताजनक, चिंता का सबब बन जाए। तो इसलिए कागजी कार्रवाई नहीं, बयान नहीं, केवल कागज पर नक्शा बना देने से काम नहीं होगा। ग्राउंड पे आना पड़ेगा और ग्राउंड की समस्याओं को चिन्हित करके उसको आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्वप्निल, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। और वाकई प्रशासन को गहरी नींद से जागना होगा और जी मीडिया प्रशासन को जगाता भी रहेगा, क्योंकि इस खबर का पूरा असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। दरभंगा शहर डूबा है, नगर निगम के अधिकारी फूल माला से सजी गाड़ियों से चल रहे हैं, कुछ घंटों की बारिश में दरभंगा वासियों का जीना मुहाल कर दिया गया, जगह जगह पानी भर गया। जिस विभाग पर इसको देखने की जिम्मेदारी होती है उसके अधिकारी 8 बजे के बाद नींद से जगे और उन इलाकों में पहुंचते हैं, वहीं अधिकारी जिस से पहुंचते हैं वो गाड़ी फूल माला से सजी होती है। जी मीडिया का जो कैमरा है देखकर आनंद फानंद में गाड़ी पर से फूल हटाकर फेंके गए। डीएमसीएच के बाहर मैं खड़ा हूं, यहां एक नगर निगम से गाड़ी आई, गाड़ी का नेम प्लेट बंद है, गाड़ी पे कोई अभियंता इंजीनियर आए ऐसा बताया जा रहा है, गाड़ी पर फूल माला लगा हुआ है। शायद ये फूल माला जनता ने इनके बेहतर प्रबंधन के लिए दिया होगा, जो बेहतर प्रबंधन की तस्वीर जरा इधर देखिए, यह है बेहतर प्रबंधन। और इसलिए फूल माला से सजी गाड़ी नगर प्रशासन और नगर निगम के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यह है बेहतर प्रबंधन। गाड़ी पर फूल है, न जाने कहां से कौन सा कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे हैं जो फूल से सजी गाड़ी से चल रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद फूल हटाने का भी काम शुरू हो गया है, जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसके बाद फूल हटाने का भी काम शुरू हो गया है। तो ये फूल से सजी गाड़ी से नगर प्रशासन नगर निगम के लोग चल रहे हैं और नगर निगम के लोगों को न जाने कौन से सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित करते हुए जनता ने फूल से लाद दिया होगा।
बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीरें दरभंगा से आ रही हैं। एक जेनसेट लगाया गया है, वो भी हमारी खबर चलाए जाने के बाद इसको ऑपरेशनल किया गया है। सुबह 7 बजे तक ये बंद पड़ा था। ये तस्वीरें दरभंगा DMCS से हम पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, दरभंगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।